नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टूर डी के राज पे। साथियों, आज हम बात करते हैं किस तरह आप गोवा से मुंबई आ सकते हैं बाइक क्रूज। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, मुंबई से गोवा कैसे आप आ सकते हैं, कोडलिया क्रूज पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और अगरिया क्रूज पे भी बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको वीडियो लगा दूंगा और आई बटन में भी लगा दूंगा। और आज हम बात कर रहे हैं कि आप गोवा से किस तरह मुंबई जा सकते हैं। साथियों, आप अपना टूर इस तरह से प्लान कीजिए ताकि गोवा से आपको क्रूज 3 दिन ही मिलता है। ट्यूसडे के दिन आपको मिलता है, थर्सडे मिलता है और सैटरडे, इन 3 दिन ही आपको गोवा से मुंबई के लिए क्रूज मिलता है। अगले क्रूज का सफर करने के लिए साथियों, आप टिकट ऑनलाइन बुक कर लीजिए और आ जाइए गोवा पोर्ट मरगोमा पर। मरगोमा पोर्ट से ही आपको साथियों मुंबई आना होता है। यहाँ आते ही आपको बोर्डिंग पास लेने होते हैं और आपका जो भी लगेज है वह वहाँ आपका ले लिया जाता है चेकिंग करने के बाद, और आपको शिप पे भेज दिया जाता है बाय बस द्वारा। जो भी आपका लगेज है वह आपको मुंबई में मिल जाता है। कुछ सामान आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसमें आपके कपड़े हो सकते हैं, मोबाइल और लैपटॉप चार्जर, ये सभी चीज़ें आप अपने साथ ले जा सकते हैं। उससे अलग आप कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। गोवा से साथियों क्रूज 4 बजे चलना शुरू हो जाता है और अगले दिन 9 बजे सुबह के मुंबई पहुँच जाता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है इसे भी कमेंट में बता दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। साथियों, जिस समय आपको बस द्वारा क्रूज तक लाया जाता है तो आपकी एंट्री अंदर हो जाती है। अंदर एंट्री करने के बाद आपको सबसे पहले चाय स्नैक ऑफर किया जाता है, आप उसका आनंद लीजिए। यह क्रूज साथियों काफी लग्जरी है, आपको अंदर से यह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। इस क्रूज के सबसे ऊपर आ जाइए, यहाँ आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा, तो आप इसका आनंद लेना ना भूलें। यह बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से जो नज़ारे आप देखते हैं बेहद ही लाजवाब होते हैं। समुद्र के बीचों बीच जिस समय आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं, इसका आनंद ही कुछ और होता है। एक यादगार पल आपको यहाँ मिलता है। कितने रुपए का साथियों आपको टिकट लेना होगा यहाँ आने के लिए, इसके बारे में कुछ समय बाद बात करते हैं। अभी जान लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। खाने की बात की जाए साथियों, तो आपको यहाँ वेज, नॉन वेज, नूडल्स और आइसक्रीम सभी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएगी, जो आपके टिकट में इंक्लूड होता। इसके अंदर हर डेक पर आपको अलग ही प्रिंटिंग दिखाई देती है, जो काफ़ी सुंदर इस शिप को बनाती है। जहां आपको हर डेक मिलती है ABCDE, इस तरह से यहां डेक बनाई हुई है। हर डेक पे आपको अलग चीज़ मिलती है, कहीं पे आपको डिस्को मिलता है, कहीं आपको स्पा करने के लिए मिलता है, शॉपिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं, नाइट में आप डिस्को डांस करना ना भूलें। साथ ही यह 14 घंटे का सफ़र होता है, तो आप पूरे क्रूज को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए कि आपके मन में ये रहे कि मैं वहाँ नहीं घूम पाया। कमरे में साथियों आप कम ही रुके, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा घूमने में ही मज़ा आएगा, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप कम से कम खर्च करके रूम लें। अगर आप साथियों देर से सोते हैं तो आप जल्द से जल्द उठ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ से जो सनराइज़ का आनंद आता है वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। अपर डेक्स पे आप आ जाइए, यहाँ से जिस समय सूर्य उदय होता है यह जो नज़ारा देखते हैं आप, बेहद ही खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। अगर आपको कुछ अलग से खाना पीना है तो उसकी सुविधा भी अंदर बनाई गई है। रेस्टोरेंट आपको प्राइवेट मिल जाएंगे, जो आपके टिकट से बाहर होते हैं। आपको वहाँ खर्च करने के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, आपको वहाँ एक कार्ड मिलता है जिसको आपको रिचार्ज कराना होगा, उसी से ही आपको पैसे पे करने होंगे। ड्रिंक आपको अंदर ही मिल जाएगी, लेकिन आपको उस कार्ड के अनुसार ही वह मिल पाएगी। अपर डेक पर आपको साथियों काफी जगह बैठने के लिए सोफे टेबल मिल जाएगी, आप उस पे बैठकर यहाँ के संगीत का आनंद लीजिए। काफी बहुत कुछ है जो आपको साथियों अंदर मिलता है। तो अब बात करें साथियों आप किस तरह के रूम ले सकते हैं। टिकट आपको साथियों ऑनलाइन ही लेना होगा, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर बात करें साथियों रूम की, तो रूम आपको आपके टिकट अनुसार ही मिलता है, खाना पीना सब कुछ उसी में ही इंक्लूड होता है। कितना बेस्ट रूम आपको चाहिए यह डिपेंड करता है आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका बजट कितना है, उसी हिसाब से आपके चार्ज बढ़ जाते हैं। अगर आप कपल रूम ले रहे हैं उसके चार्ज आपको अलग देने होंगे, फैमिली रूम के चार्ज आपको अलग देने होंगे। ओशन व्यू रूम आपको यहाँ मिलता है, लार्ज विंडो आपको रूम यहाँ मिलता है, जिन सभी में आपको मिल चार्ज भी जोड़ के दिया जाता है, जिसका 2000 रुपए और एक्स्ट्रा होता है। बात करें रूम की, तो साथियों आपको 5000 रुपए से लगभग 8000 के बीच यह रूम मिल जाएंगे, तो आप इस खूबसूरत सफर का आनंद लेना ना भूले। अगले दिन सुबह साथियों आप मुंबई पहुंच जाते हैं सुबह 9 बजे। यह एक बहुत यादगार सफर होता है। साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है।